हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर यानी अकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे जो आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप होता है उसके लिए फॉर्म कब से अप्लाई होंगे और उसकी न्यू वैकेंसी कब आने वाली हैं और एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, उससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस जानकारी कोई ऑफिशियल नहीं है, ओनली एक आपको एक्सपेक्टेड है कि इस बार आ सकते हैं इस दिन। तो जो आपके फॉर्म आने वाले हैं वो आ सकते हैं आपके फॉर्म आपके नवंबर के लास्ट में 28 के बाद, या फिर आपके दिसंबर में आपके फॉर्म अप्लाई होंगे नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। इस बार जो वैकेंसी थी जुलाई वाली उसके लिए नहीं होंगे, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए होंगे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए होंगे दिसंबर में फॉर्म ऑनलाइन, तो इसके लिए DOB क्या रहेगी। तो इसकी जो DOB रहने वाली है आपकी 1/1/2001 से लेकर आपकी DOB रहेगी 30/12/2004 के बीच में। मगर यहाँ पर आपको एक कंसेशन मिलेगा आपको 6, और साथ साथ आप इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले आपका 4 से 8 नवंबर के बीच में, और आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप परीक्षा ऐप पर बाई कर सकते हैं। तो इससे जो फ़ायदा है कि ये टेस्ट बुक से अच्छी टेस्ट बुक है, ठीक है, परीक्षा ऐप पर आप उस पर भी कर सकते हैं, मगर परीक्षा ऐप पर बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको मिलते हैं 50% का डिस्काउंट, मगर वहाँ पर ओनली 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप लगाएं परीक्षा ऐप पर और यूज़ करें कोड TOPGYAN50 जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। 6 मंथ जो स्टूडेंट 6 मंथ का कंसेशन मिलेगा इसमें DOB में, मतलब 6 आपको इससे 6 मंथ पहले जिसकी भी एज होगी इस एज से वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी थी वो आपकी आई नहीं थी। इसी से आपको यहाँ पर कंसेशन मिलेगा कि आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये मिलेगा कि जैसे कि इसमें मान के चलते हैं 100 वैकेंसी आती हैं, तो आपकी 100 नहीं आएंगी, 100 प्लस आएंगी, जिससे आपको जो पिछली लास्ट वैकेंसी थी वो भी फिलअप कर सकें। ये खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लिए हाइट कितनी चाहिए। तो आपके लिए मिनिमम इसके लिए हाइट जो चाहिए वो चाहिए 152.5 सेमी, और यहाँ पर वेट आपका मिनिमम वेट 55 kg आपका ज़रूरी है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो होती है ₹250। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में हम यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए आपके लिए यहाँ पर आप देखेंगे लाइव प्रूफ आपके एक्स ग्रुप के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी उम्र 17 से 21 साल होनी चाहिए, और आपके पास 10+2 होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री हो। उसके बाद फिर आप क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश में 50% मार्क्स से, ठीक है, और 50% इंग्लिश में और 50% और ओवरऑल होने चाहिए। फिर यहाँ पर नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी वो मिल जाती हैं आपको कौन कौन सी ब्रांच में आपको जॉब मिल सकती है इसमें, ठीक है। जो एक्स ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको काफ़ी सारी होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस टाइप के अंदर होती हैं, तो वो आपको काफ़ी सारी मिलती हैं। और ऐसी आपका वाई ग्रुप होता है, बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड होता है वाई ग्रुप का भी। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लिए फिज़िकल क्या होना चाहिए। तो फिज़िकल भी आप देखेंगे एयरफोर्स की साइड पे, आप यहाँ पर फिज़िकल देखेंगे, फिज़िकल स्टैंडर्ड में मैंने आपको वेट हाइट चेस्ट बता दिए हैं आपकी, मगर आपके पास बॉडी टैटू होता है वो नहीं होना चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी टैटू से। और यहाँ पर आपकी जो हाइट होती है वो आपके हर हिसाब से होती है, ठीक है, सभी जगह अलग अलग आपकी हाइट मांगते हैं। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं ये आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड हो जाता है। और सबसे मेन चीज़ आपको आपकी रेस होती है, रेस होती है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की आपकी रेस होती है। आपके पुशअप होते हैं तो आपको वो भी लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आपका GD होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आपको सभी चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेक्टेड था, रियल कुछ भी नहीं है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें सभी लोग।